नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सेकंड भाग, पहले हम फर्स्ट भाग डाल चुके हैं इसमें, तो हम आप दिखाएंगे कि ये देखिए मैंने नया सामान जो आपको मैंने पर्चा दिखाया था, ये गैस्केट 87.5 mm का है और ये नया पाइप है, एयर पाइप, जिससे इंजन में एयर नहीं निकालनी पड़ेगी। ये पाइप है और ये तीनों नोजल, प्लंजर और डिलीवरी वाल, ये तीनों डुप्लीकेट ही कंपनी के हैं, फिलहाल अच्छे काम कर रहे हैं। 578 नंबर ये है, ये 639 नंबर नोजल नंबर है और एलिमेंट जिसे प्लंजर बोलते हैं ये 341 नंबर है। ये लाइनर पिस्टन आया है गोट्स कंपनी का, अच्छा परफॉर्मेंस हमारी लोकल एरिया में कर रहा है, आप यहाँ पे सारे डिटेल देख सकते हैं। और ये पिस्टन उसी में है, उसी का है, देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी में दिया गया है इस पिस्टन। रिंग भी ओरिजिनल कंपनी के हैं और पिस्टन में भी नंबर देख सकते हैं आप। ये लाइनर में भी देखिए, लाइनर में बाहरी साइड में इसका लोगो लगा हुआ है, ये ओरिजिनल कंपनी के निशान होते हैं जो हार्ड प्रिंट से लगे होते हैं, अच्छा है, अंदर ब्लैक क्वालिटी का है। और ये मैंने हेड भी रिपेयर करवाया है, मैंने बताया था कि दोनों वाल भी नए पड़े हुए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, पहले हम लाइनर से शुरुआत करते हैं कैसे सेटिंग किया जाए। तो आप देखिए, हम इसे उखाड़ेंगे, निकालेंगे बाहर, आप देख सकते हैं। तो चलो हम इसे निकालते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ा इसे ज़मीन में रख के बराबर जगह पे आप इसे ऐसे ठुकाई कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा लाइनर निकल आया है, हल्का गजन से ठुकाई कर दें या मोटा छेनी हो उसे ठोक सकते हैं, बाहर निकल जाएगा। हल्के हल्के ठुकाई करें, ये हमने निकाल लिया है, इसकी अच्छे से सफाई कर दें ताकि दूसरा लाइनर हम जब फिटिंग करें तो वहाँ पे कोई कचरा ना लगे। इसमें रबड़ हल्का हल्का चिपका रह जाता है, उसका लाइनर लॉक होती है रबड़, वो चिपकी रह जाती है, उसके लिए हमें किसी रिंग से अच्छे से सफाई कर लेना है। और यहाँ पे लाइनर के कोर डाल के चेक कर सकते हैं हमारा फिट है कि नहीं, इस तरफ भी आपको साफ़ कर लेना है। उसके बाद में हम लाइनर को ब्लॉक बॉडी को हम उस बॉडी पे ही रख देंगे, मेन बॉडी पे, इसमें हल्का हल्का ग्रीस लगा देंगे दोनों कोर में, नीचे और ऊपर की कोर में, ताकि लाइनर अच्छे से हम बैठा सकें। ये सबसे आसान तरीका है, ना ही ठुकाई का, आराम से लगाइए, आराम से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। तो इस प्रकार से इंजन का सेटिंग करें तो हो सकता है आपका अच्छा इंजन काम करे। अब इसको अच्छे से फिट करके और हेड को अच्छे से उस पर बोल्ट लगा के हेड को, तो उस पर लाइनर अपनी बॉडी पे फिक्स हो जाएगा। ऐसे सेट कर लें ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठोकने में दिक्कत हो सकती है। तो ये हमने अच्छा सा आइडिया जो बताया है, इससे आप कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारा लाइनर कितना फिट हो गया है, हल्का ग्रीस लगी थी वही लगा के आप देख सकते हैं बॉडी में कितना फिक्स बैठा है। आप देख लीजिए हमारा बॉडी पे फिक्स पूरा बैठ गया है, ऐसा लगता है कि जैसे कभी निकाला ही नहीं गया हो। तो इस हिसाब से फिट करें, तो हम कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से कनेक्ट करेंगे ताकि हम आगे का काम आपको बता सकें। ये 2 वर्ष से खड़ा हुआ था इंजन बरसात में ही, तो ये उसी के कारण इतनी कमियां निकली, नहीं हो सकता था, कुछ थोड़ा भी हो सकता था। हल्के से उसमें गजन पिन डाल के और उसमें हल्का ग्रीस लगा के पिस्टन को ऐसे कनेक्ट कर दें और पिस्टन लॉक भी डाल दें।
अब ये पिस्टन को हम इसमें फिट करेंगे। तो मोबिल तो हमारे पास इस समय नया नहीं है, तो इसमें पुराना ही मोबिल हम यूज करेंगे, ताकि हम एक दो घंटे दो तीन घंटे चलने के बाद में हम नया मोबिल बदलवा दिए हैं। तो इस समय हम थोड़ा पुराना ही मोबिल से हम सेटिंग करेंगे, ताकि इंजन ट्रायल हो जाए, उसके बाद में नया बदला जाएगा। सारे रिंगों को कट इधर उधर को कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और हल्के हल्के रिंग को आसानी से लाइनर में सेट कर दीजिए। और पिस्टन के जो कट होते हैं वो पुश रॉड की तरफ रखने हैं आपको, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे रखने हैं। हल्के हल्के हल्की पेच बेच की सहायता से आप इसे सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इस समय वो डाई जो बोलते हैं वो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, तो हम ऐसे ही सेटिंग करते हैं। किसी प्रकार की अभी हमें आगे समय में दिक्कत भी नहीं पड़ी है, तो हम ज़्यादा यूज भी नहीं किए हैं। तो रिंग और पिस्टन को फिटिंग करके हम बॉडी पे सेट करेंगे। अच्छे से ठीक से बॉडी पे सेट करके देख लीजिए कि कैसे सेट किया। अब सीआर बुश को पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में ऊपर का माहौल देखेंगे, जायज़ा लेंगे। सीआर वायरिंग जो होते हैं, ये सीआर वायरिंग बोलते हैं, मैं तो पहले बुश ही बोलता था, सीआर वायरिंग बोलते हैं। इसमें जो कट होते हैं, दोनों सीआर वायरिंगों के कट एक ही तरफ रखे जाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। इसमें बोल्ट लगा के 18 नंबर चाबी या पौना से आप इसे टाइट करके पक्का करके छोड़ सकते हैं। तुम्हारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा ये यहाँ से अंदर से नीचे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको ब्लॉक के बोल्ट कस ये टाइट कर दीजिए, ये सारे बोल्ट आपको पक्के करने हैं, कस दीजिए। उसके बाद में हम पंप प्लेट को भी फिट कर देंगे। अब यहाँ पे पंप प्लेट के सारे बोल्ट लगा के हमने अच्छे तरह टाइट कर दे, ताकि यहाँ से मोबिल ऑयल ना निकल सके। पहले हम पंप तो कस गया है, तो हम पहले पंप को फिटिंग करेंगे। मैंने प्लंजर गाइड डाल दी है, इसमें डीवी भी डाल दी, हल्का हल्का यहाँ पे ग्रीस लगा दीजिए, ताकि यहाँ पे एक रबड़ का वार्सल पड़ा होता है ना फटे, कभी कभी फट जाता है तो यहाँ से डीजल निकलने लगता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छे से टाइट कर दे। थोड़ा मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा भी हो सकता है। तो दोनों गरारियों में, गरारी और रॉड में निशान लगे होते हैं, उसी निशान के सामने आपको सटीक फिट करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमारा स्पेशल वीडियो भी हमारे चैनल लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कमेंट में कहेंगे तो मैं कमेंट में आपको वीडियो का URL दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। निशान को फिक्स जगह पर मिलाएँ, ताकि अच्छा डीजल एडजस्टिंग कर सके। ये मैंने स्प्रिंग डाल दी, इसमें ये देख से जो कट वाला निशान है, जो इधर साइड में रहता है अंदर साइड में, लिस्टर में बाहर साइड में रहता है, दोनों चीज़ में इतना ही अंतर होता है, और सारी फिटिंग एक ही होती है। ये हमारा पिस्टन एक पंप कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे पुरानी ठोकर जितनी हमारी थी उतना ही हम सेट करेंगे, क्योंकि पुरानी ठोकर में तीन सिमें थी, और एक रुपये का सिक्का भी रखा हुआ था। इतनी ठोकर पे ही हमें एडजस्ट करना है। ठोकर सेटिंग का अगर वीडियो आपको चाहिए, तो मैंने ठोकर सेटिंग का वीडियो मैंने डाल रखा है, किस कारण ठोकर को कम या ज़्यादा किया जाता है। अगर नॉर्मल आप सेट कर लेते हैं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारा वीडियो देखने की।
तो पंप को हमने फिट कर दिया है। हल्का रॉड में ग्रीस लगा दें ताकि रॉड, अब ये हम हल्का इसमें भी ग्रीस लगाएंगे ताकि हल्का हल्का ग्रीस लगाने से यहाँ से पानी नहीं निकलता है, कभी कभी पानी आ जाता है इधर उधर साइड से, तो ग्रीस अपना पानी रोक लेती है, यहाँ पे पानी रुक जाता है ग्रीस की वजह से। तो गैस्केट, हेड गैस्केट तो हमारा फिट हो चुका है, तो हम हेड को ठीक से सफाई करेंगे, उसके बाद में सेट करके हेड को सेटिंग करेंगे। तो हमारा ये हेड साफ़ हो चुका है, अब वाल को भी इसमें सेट करेंगे क्योंकि वाल नए पड़े हुए हैं, पूरा सीट भी नया बन के आया है, तो इन चीज़ों में क्या सेटिंग करनी है वो भी आप देख लीजिए। कुछ नया ज़्यादा सेटिंग नहीं करना होता है, नए वाल अगर हैं हल्का हल्का ग्रीस लगा के आप उन्हीं उनको उसी जगह जो निशान लगा के आते हैं तो उसी को उसी जगह पे फिट कर दें। हल्का हल्का इसमें भी इसको भी फिट कर दें, इनमें एक में वो जहाँ हेड रिपेयर होता है वहाँ निशान लगा देते हैं उन्हें सेट करके। तो हम ये वाल स्प्रिंग दोनों ये वाल कैप को रखेंगे, कैसे वाल को सेटिंग करते आप देखते रहें कि कैसे सेट किया जाता है, वाल कैप को कैसे लगाते हैं। थोड़ा वहाँ पे हम कैमरा तो ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा हमारा हाथ आगे आ जाता है। ये वाल सेटिंग हो गया और इसको भी हम ऐसे ही सेट करेंगे। ये नया वाल स्प्रिंग और वाल कैप हैं क्योंकि पूरा हेड रिपेयर होके आया है। ये भी हमारा सेट हो गया है, तो चलो इसे फिट करते हैं, फिर आगे का काम हम आपको बताते हैं। इसको अच्छे से टाइट कर दें क्योंकि नया है, तो उसमें स्टार्टिंग के समय ज़्यादा हैवी ठोकर का इस्तेमाल होता है, तो अच्छे से काम करेंगे। ये पुशरॉड को सेटिंग कीजिए, दोनों पुशर पहले एयर क्लीनर का पुशरॉड डालिए, फिर साइलेंसर का पुशरॉड सेटिंग कीजिए, उसके बाद में हम रॉकर बॉक्स को सेट करेंगे। इसमें आप देख लीजिए जितने हमने पूरे इंजन सेटिंग किया उसके हिसाब से आप अगर सेटिंग करते हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा लास्ट इस इंजन में सेटिंग हो रहा है। तो हमारा रॉकर बॉक्स भी सेट हो चुका है और हमारा डीजल लाइन भी क्लियर हो चुका है। ये मैंने पाइप लगाया था जो नहीं बता रहे थे डीजल वाला, ये हमारा नया पाइप, ये एयर पाइप है जो देख सकते हैं, ये हमारा बैंजो पाइप, ये पूरा डीजल लाइन नया ही फिटिंग किया गया है, तो इसमें हमें एयर नहीं निकालनी पड़ेगी। हम ऐसे ही अभी आपको हम दिखाते हैं क्योंकि ये मैंने पाइप सेटिंग किया है तो इसमें एयर नहीं आपको निकालनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही पंप अब तेल अपना उठाना स्टार्ट कर देगी, फिर उसके बाद में हम आगे का आपको सिस्टम बताते हैं। अब देखिए बिना एयर को काढ़े ये हमारा पंप काम करने लगा है, और डीजल बंद करके ज़रूर पंप को ऑफ करके ज़रूर चेक कर लें अगर नया पंप सेटिंग किया है, नहीं तो कभी कभी इंजन डायरेक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ से हम सेटिंग करेंगे, अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ये मैंने नया नॉजल भी इसमें बांधा है तो इसको पहले चेक करेंगे हम कि कैसा काम कर रहा है, उसको बाद में पहले हम बाहरी इसका स्प्रे चेक करेंगे कितना अच्छा स्प्रे कर रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है।
इसको घुमाएंगे। अब इसमें इसका स्प्रे चेक करते हैं कैसा काम कर रहा है। स्प्रे जो अच्छा कर रहा है, आप देख सकते हैं कितना धुआं बना रहा है। इतना हार्ड महीन स्प्रे कभी कभी सब में नहीं निकलता है, ऐसा तो ओरिजिनल में निकलता है, फिलहाल हमारा नॉजल डुप्लीकेट है। अच्छे से टाइट कर दीजिए दोनों बोल्टों को और फिर इसे प्रेशर पाइप को नॉजल से कनेक्ट कर दें। अब चलो स्टार्टिंग पे आपका ये नंबर हो चुका है, तो हमारा पूरा इंजन आप देख सकते हैं मैंने फिटिंग किया हुआ है। ये 5 HP का 5 kW का ये इसमें जनरेटर सेटिंग है, अल्टरनेटर, और 8 HP का इंजन साइज है, तो मैंने पूरा फिट कर लिया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखें क्या नया सेटिंग हुआ है, क्या कितना अच्छा है कितना ख़राब है। आप देख सकते हैं हमारा इंजन ठीक से फिटिंग हुआ है। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत दिख रही है तो आप हमारे चैनल के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।